আর যেকর কাণ্ডের জেরে উত্তাল গোটা দেশ দেশ জুড়ে নারী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সব মহল বার্তা দিচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট আর এই আবহে নারী নিরাপত্তা নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার মহারাষ্ট্রে একটু সম্মেলনে গিয়ে এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী অভিযুক্তকে কোনোভাবে ছাড় দেওয়া উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি মহারাষ্ট্রে জলঘতে লাখপতি দিদি সম্মেলনে এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন মোদী সেখানে গিয়ে তিনি বলেন নারীর নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি সব সরকার সরকারকে বলবো মহিলাদের উপর হওয়া অত্যাচারের ক্ষেত্রে অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই অভিযুক্ত যেই হোক না কেন তার ছাড় পাওয়া উচিত নয় কেন্দ্রীয় সরকার নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে করা ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন মোদী একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন গত দশ বছরে মহিলাদের জন্য অনেক কাজ করা হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে এর আগে কখনো এত কাজ হয়নি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন দু পর্যন্ত পঁচিশ হাজার কোটি ঋণ দেওয়া হয়েছে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আর গত দশ বছরে ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে নয় লক্ষ কোটি ঋণ বহন বেটার সামর্থ্য বড়া নে সুরক্ষা দেশ কি প্রাথমিকতা হ্যাঁ লাল কিলোম बार बार इस विषय को उठाया है आज देश का कोई भी राज्य हो अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए अस्पताल हो स्कूल हो दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए ये पाप अक्षम्य है अरे सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है साथियों महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है तो इसलिए मैं विशेष इस तौर पर आपको बताना चाहता हूं पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती सुनवाई नहीं होती मुकदमों में देर बहुत लगती है ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे ई एफ आई आर दर्ज करा सकती है हमने ये भी पक्का किया है कि ई एफ आई आर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा इसे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी साथियों नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे हैं पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है हमें भारत के समाज से তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুতে খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ এই ঘটনায় শত প্রাণোদিত মামলা করেছে সুপ্রিম কোর্ট তদন্ত করছে সিবিআই রিপোর্ট আর নিউজ